नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज़ का खास कार्यक्रम दिल्ली का दंगल। एमसीडी चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 4 दिसंबर के दिन मतदान है। ऐसे में टोटल न्यूज़ की टीम लगातार अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों की राय जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इस एमसीडी चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों के आधार पर इस बार लोग वोट करेंगे। और आज हम आ पहुँचे हैं नागलोई जाट विधानसभा में। अगर इस विधानसभा की बात की जाए तो कुल 4 वार्ड इस विधानसभा में आते हैं, और इन सभी 4 वार्डों में जाकर आज हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार इस एमसीडी चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिरकार क्षेत्र में क्या क्या समस्याएँ हैं, और जो पिछले निगम पार्षद रहे उन्होंने कितने विकास कार्य क्षेत्र में किए। इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या सोचकर 4 दिसंबर के दिन लोग मतदान करेंगे। आइए चलते हैं सबसे पहले वार्ड नंबर 47 नागलोई जाट में, यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या मुद्दे इस चुनाव में रहने वाले हैं। चलिए वार्ड में लोगों से करते हैं बात। वार्ड नंबर 47 नागलोई जाट में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार एमसीडी चुनाव में किन मुद्दों के आधार पर लोग वोट करेंगे। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिरकार क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं बनी हुई हैं। लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार क्या समस्याएं इस क्षेत्र में हैं। सर, क्षेत्र की बात की जाए तो ये नागलोई जाट का इलाका है, क्या समस्याएँ हैं इसमें? समस्याएँ भैया, ना तो यहाँ सफाई वाला आता है और ना यहाँ सीवर साफ होते हैं। सारी जगह गंदगी फैली होती है, और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पानी टंकी पर बदबू मारती है और सारे गड्ढे पड़े हैं वहाँ पे। समस्या ही समस्या है, यहाँ कोई नहीं आता। पूरी नागलोई जगत में यही हाल है। कहीं नहीं निगम पार्षद कौन है, यहाँ ही नहीं पता निगम पार्षद है कौन, आता ही नहीं है वो तो। बिल्कुल, लोगों की नाराजगी जरूर है, और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। कैसा मानते हैं निगम पार्षद के कार्य को, क्योंकि बीते 5 सालों में अगर देखा जाए तो निगम पार्षद लगातार दावे करते हैं कि क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं। अगर विकास कार्यों की बात की जाए तो क्या क्या देखते हैं क्षेत्र में? क्षेत्र में कभी निगम पार्षद आए नहीं, नहीं को काम हुए बस। इस बार क्या सोचकर वोट करने जाएंगे? देखें, सोच समझ जो काम करने वाले होंगे उनके बारे में सोचेंगे। मैं तो भैया कोई सोच के वोट नहीं करूँगा, मैं तो किसी को वोट ही नहीं देता, सारे नेता चोर हैं बस। क्षेत्र में ये समस्या है, यहाँ कोई काम करने को राजी नहीं। कहते क्या, सारा पानी भर जाता, नालियाँ बनी नहीं आज के 10 साल हो गए कम से कम, नाली नहीं बन के राजी। कुछ काम ही नहीं हो रहा है, बरसात होती है पानी बढ़ जाता है, कुछ काम नहीं। वोट देने के लिए मान लो वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन उसके बाद कोई देखने के लिए आते ही नहीं यहाँ पे। सारा ऐसे का ऐसा पड़ा हुआ है सर, कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे, सारा ऐसे का ऐसा पड़ा हुआ है सर। किसी को वोट ही नहीं देना इस बार, कहीं नहीं जाना है, घर पर बैठेंगे आराम से। देखो जी, अगर आज सच्चाई है, अगर ये काम करें तो वोट मांगने की इनको जरूरत नहीं है। जो आदमी अपने फील्ड में काम करे, एरिया में काम करे, वहाँ पर वोट मांगने की भी दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। कुछ नहीं किया, जेब भरी अपनी और कुछ नहीं किया। क्या सोच के जाएंगे, हम अपनी भलाई के लिए जाएंगे, हाँ और क्या। हमारा तो कोई सोचता नहीं है कुछ, क्या क्या काम हो है, रोड ऐसा बनाया कि सारा पानी हमारे मकान में मरने लग रहा है, ना कभी सफाई वाली आती। मैं तो जब से आई हूँ ऐसी स्थिति बनी हुई है। अब देखो, वो पार्टी तो सब अपना ही भला चाहती है, जनता का कहाँ भला चाहती है। बिजली पानी की तो ठीक है, ये तो है सही, सुबह हमें ही करना पड़ता है अपने घरों के आसपास की सारी सफाई। एमसीडी कहाँ कर रही है, करती तो फिर ये होता, हमें इतना करना पड़ता सुबह। बिल्कुल, लोगों की नाराजगी कहीं देखने को मिल रही है, तो कहीं लोग मिली जुली प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। हमने दिखाया कि नागलोई जाट वार्ड में क्या स्थिति बनी हुई है। जनता ने खुद अपनी जवानी स्थिति को बयां किया कि आखिरकार नागलोई जाट में क्या क्या दिक्कतें हैं इस वार्ड में। इसके साथ ही लोगों ने बताया कि किन मुद्दों के आधार पर इस बार लोग वोट करने जाएंगे। अब चलते हैं अगले वार्ड में, वहां जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि जो पिछले निगम पार्षद रहे उन्होंने क्षेत्र में कितने विकास कार्य किए। तमाम इन विषयों पर जानकारी जानने की कोशिश करेंगे और लोगों से करेंगे बात। आगे चलते हैं वार्ड में। वार्ड नंबर 48 गुरु हरकिशन नगर में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, यहां भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर लोगों की क्या सोच है। इसके साथ ही क्या मुद्दे इस चुनाव में रहने वाले हैं, तमाम विषयों पर बात करेंगे। लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, दिल्ली नगर निगम चुनाव अब बेहद नज़दीक है, 4 दिसंबर के दिन मतदान है, ऐसे में क्या सोचकर मतदान करेंगे? अगर क्षेत्र की बात की जाए, इस वार्ड की बात की जाए, क्या क्या समस्याएँ देखते हैं? विकास के ऊपर करेंगे वोट, विकास कौन कर रहा है, काम कौन करवा रहा है, उसके हिसाब से नहीं वोट डालेंगे। साफ सफाई बहुत कम हो रही है, साफ सफाई उतना नहीं हो रही,
साफ सफाई की दिक्कत है। हाँ सही है, वो तो कूड़े का पहाड़ तो आई है, उसको तो करना ही है। हर एक जगह गंदगी पड़ी है, जहाँ देखो वहीं गंदगी है। बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है, ठीक ठाक है। पिछले से ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है, पिछला जो था 5 साल उससे ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है। साफ़ सफाई और क्या कमी है। मुद्दा तो ये रहेगा कि अपना भाई साफ़ सफाई रहे और जनता को ये चोरी डकैती छीना झपटी जो हो रहा है, राह चलते चैन निकल जाएगा। किसी को मोबाइल छीन लेगा, किसी को कुछ, उस पर प्रशासन भी ध्यान नहीं देता। नगर निगम को ये चाहिए कि जो सफाई कर्मी है उसको उनकी तरफ से शिकायत होती है, हमें तनख्वाह नहीं मिलती, गाय पर कोई अंकुश नहीं है, सड़क पर घूमते रहते हैं, तो इन पर अंकुश होना चाहिए। बाकी काम सही है, बाकी समस्या तो सारी सब ठीक ठाक है। बाकी और साफ सफाई अच्छी नहीं हो रही उतनी पहले जितनी जैसे हो रहे थे, बाकी देख लीजिए। अब मतदान तो सर यही करके कराया जाएगा जितना से ज़्यादा फ़ायदा हमें हो, पब्लिक को हो। आज तक देखा जाता है कि सिर्फ फ़ायदा सिर्फ ये नेता लोग ही उठाते थे अपना, पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं उठता था। और मेन बेसिक है हमारा ये जो हेल्थ को लेकर जो काम चल रहा है, और साफ़ सफाई तो खैर अच्छा है ही, पानी को लेकर बिजली को लेकर सब कुछ ठीक ठाक है सर, कोई दिक्कत नहीं है ऑल ओवर। सर बिल्कुल इसमें कोई दोराई नहीं है, मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत यही है। लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं, राय ले रहे हैं, और खुद उनकी जुबानी जान रहे हैं कि वार्ड में कैसी स्थिति बनी हुई है। आपने जाना गुरु हरिकृष्ण नगर में कैसी स्थिति है, लोगों ने अपनी जुबानी बताया कि आखिरकार क्या मुद्दे इस चुनाव में इस वार्ड में रहने वाले हैं। इसके साथ ही अलग अलग राय भी लोगों की देखने को मिली, लोगों ने बताया कि क्या क्या समस्याएं क्षेत्र में बनी हुई है, इसके साथ ही किन मुद्दों के आधार पर लोग वोट करेंगे। अब अगले वार्ड में चलते हैं और जानेंगे कि आखिरकार अगले वार्ड में कैसी स्थिति है। अब चलते हैं निहाल विहार वार्ड में, वहां पर जानेंगे लोगों से कि इस बार क्या मुद्दा इस एमसीडी चुनाव में रहने वाला है। वार्ड नंबर 45 निहाल बिहार में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, यहां जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार नगर निगम चुनाव को लेकर लोगों की क्या राय है। इसके साथ ही 4 दिसंबर के दिन जब मतदान होगा तो लोग क्या सोचकर वोट देंगे, लोगों से बात करते हैं, लोग हमारे साथ हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार निगम चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है। 4 दिसंबर के दिन सर वोट करने जाएंगे, क्या सोचकर जाएंगे। भाई हम तो काम के ऊपर वोटिंग करेंगे, जिस बंदे ने काम अच्छा किया उसको वोट करेंगे। कमियां बहुत काफ़ी हैं, क्या क्या गिनवाएंगे। सफाई का कोई ध्यान नहीं है, सफाई का तो ध्यान ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, नालियां भरी पड़ी हैं, सीवरेज भरे पड़े हैं और पानी पीने के लिए सही नहीं आ रहा। लोगों की तो ठीक है कुल मिला के, मगर यह है कि सफाई के मामले में दिक्कत है। सफाई करने वाले कर्मचारी है, आधे में झाड़ू मारेंगे आधे में मारेंगे नहीं। कितनी शिकायत करवाओगे, शिकायत कितनी करवा ली, कोई शिकायत नहीं सुनते भाई। क्या सोच के देंगे, अब देखो टाइम बताएगा। नहीं है भाई, पूरी नालियाँ भरी पड़ी हैं, पूरे नालियों के जाल लोहे के सारे उखड़ के चोरी हो गए, फिर भी नहीं टल रही दोबारा। लोग बेचारे गाड़ी मोटरसाइकिल वाला भी परेशान है, बहुत भर करी कितने करें। हमारे घर के आगे आज भी इतना कूड़ा पड़ा है, अपने हिसाब देख के वोट देंगे जी। तो भाई यही है, सफाई वफाई नहीं होती, पहले यहाँ कचरा इतना रहता था वो सारा हटवाना था, वो नहीं हटवाया, पर देखी जाए तो अब हटेगा। वार्ड नंबर 46 नरेश पार्क में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, यहां भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या मुद्दे इस एमसीडी चुनाव में रहने वाले। लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। युवा हैं आप, क्या सोचकर वोट करने इस बार जाएंगे। सीधा सीधा सा हम तो विकास को देखकर वोट करने जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पिछली बार हमारे एमसीडी के जो प्रत्याशी थे वो बाहरी थे, लेकिन अब की बार हम चाहते हैं कि जो भी हो वो हमारे क्षेत्र से हो और हमारे आसपास का हो, क्योंकि जो क्षेत्र का होगा वही काम करेगा। जैसे कि पिछली बार जो थे वो बाहर के थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई हमारे पास आकर नहीं देखा। अगर हमें कोई काम होता था, समस्या होती थी, तो हमें उनके पास जाना पड़ता था। हमें आज तक हमारे क्षेत्र के आधे लोगों को ये तक नहीं पता कि उनका ऑफिस कहाँ पर है। ऐसे ही हमारे जो MLA हैं उनको अगर मिलने के लिए जाना पड़ता तो यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मेरे हिसाब से 70 से 80% जनता को उनके ऑफिस का, उनके घर का, उनके मकान का कुछ पता ही नहीं है। तो जो भी हो, हमारा क्षेत्रीय हो, हम उसी को वोट करें। समस्याएं जैसे कि मेरी तो सबसे बड़ी समस्या, अभी आप करंट में यहाँ पर देख सकते हो कि पानी के निकास की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। लोगों ने अपने घर के आगे से मतलब नालियाँ बंद करवा दी हैं, नालियाँ बंद होने के बाद, लेकिन पानी का निकास नहीं है कहीं पर भी। अगर पानी का निकास नहीं होगा तो जिन लोगों का घर निचाई की तरफ है उनको समस्या होती है, उन्हीं में से एक मैं भी हूँ।
मेरे को बहुत बड़ी जो समस्या मेन समस्या जो होती है वो पानी की होती है, क्योंकि लोग अपने घरों को धोते हैं, जिनका घर ऊंचाई पर वो धोते हैं, धोने के बाद जो पानी इकट्ठा होता है वो मेरे घर के आगे होता है, पानी भर जाता है, मेरी दुकान में पानी जाता है, पानी के छींटे जाते हैं। शिकायत की आपने इसकी? शिकायत हमने की है, कई बार की है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। हमने लोगों के घर घर जाकर बोला है, अब पानी लोगों की टंकी भरती है और हम उनको बोलते हैं कि भाई अपनी टंकी बंद कर लो, क्योंकि पानी वेस्ट हो रहा है, पीने का पानी बिल्कुल नालियों में ऐसे बहता है, मतलब भर जाता है रोड पे, तो इस चीज़ का समाधान होना चाहिए। व्यवस्था बस ये आपके सामने एक बार पहले यहाँ पे दिखाइए कैमरा, इससे आपको व्यवस्था का पता चल जाएगा। झाड़ू वाला आता है नहीं आता है कुछ नहीं पता, वो देखो वहाँ पे डेयरी इकट्ठी है, वहाँ पे डेयरी इकट्ठी है, वहाँ पे डेयरी इकट्ठी है। निगम पार्षद से हमारी कुछ इस बारे में बात नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे से थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा, उनका ऑफिस भी दूर है थोड़ा, इसलिए उनसे हमारी बात नहीं हो पाती। और फिर जो यहाँ पे वो जो इनके वो हेड होते हैं ना, जैसे दरोगा वगैरह होते हैं MCD में, उनसे बात होती है कभी कभार, तो उस दिन एक आध दिन तो आ जाते हैं, फिर उसके बाद फिर वही हाल है। यानी कि जो हमारा वाल्मीकियों का एरिया है ना, उसमें तो काम होता नहीं है। और जो अदर कास्ट है कोई भी हो, उसमें मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उसका उधर भी साफ़ सफाई अच्छी रहती है, उधर भी साफ़ सफाई अच्छी रहती है, सड़क पे साफ़ सफाई अच्छी रहती है, गली में आ जाता है, इसलिए यहाँ पे साफ सफाई नहीं रहती है। सोच के यही वोट करने जाएंगे कि हमारा नेता अच्छा हो, ना कि हमको किसी पार्टी से कोई वो नहीं है कि ये पार्टी अच्छी है वो पार्टी अच्छी है, सिर्फ नेता अच्छा मिलना चाहिए हमको, पार्टी अच्छी। इसी से उम्मीद है? उम्मीद तो अभी देखते हैं प्रत्याशी कौन कौन लाइन में, तो बहुत सारे बंदे हैं, अभी टिकट किसके कन्फर्म होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बाद कन्फर्म होगा वो क्या होगा। समस्या तो भाई बहुत तगड़ी है, अगर आप सोचोगे तो मानोगे तो समस्या है। क्या क्या समस्या है? समस्या ये है कि सबसे बड़ी बात तो पहले जो निगम पार्षद है हमारे, वो आज तक हमारे पास आकर देखा नहीं है कभी भी उनको। दूसरी बात समस्या ये है कि मैंने MCD के लिए 4 बारी कंप्लेंट डाल रखी थी कि यहाँ का जो वर्कर है वो भी नहीं है, उनके पास फ़ोन करो तो वर्कर आ जाएगा, अगर फ़ोन करेंगे तो सफाई होगी, अगर फ़ोन ना करेंगे तो सफाई नहीं, इसका क्या मतलब है? 4-4, 5-5 दिन तक कूड़ा पड़ा रहता है, हमको बोल रहे हैं कि जो यहाँ का कर्मचारी है उनको भी यहाँ भेज दिया जाए, तो क्या बुरा है इस चीज़ में? तो बिल्कुल लगातार हम लोगों की जो आवाज़ है वो पहुँचा रहे हैं, आप देख रहे हैं दिल्ली का दंगल कार्यक्रम, और इसके माध्यम से ही लगातार लोग अपनी जुबानी क्षेत्र की समस्याएं बता रहे हैं। आगे की ओर चलते हैं, नरेश पार्क के का इलाका है और नरेश पार्क वार्ड है, और आगे की ओर चलेंगे, आगे की ओर भी जानेंगे कि आखिरकार क्या स्थिति नरेश पार्क वार्ड में बनी हुई है, आखिरकार लोग किस तरीके से निगम पार्षद के कार्य को देखते हैं, तमाम इन विषयों पर जानकारी लेंगे और लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस MCD चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है। वार्ड नंबर 46 नरेश पार्क के अशोक मोहल्ले में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, यहां हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार MCD चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है। सर क्या मुद्दा इस बार रहेगा? मुद्दा तो वो इलेक्शन खड़े होने वाले वो डालेंगे, हम तो वोटर हैं, वोट देखेंगे जिसकी डालेंगे। नहीं, हमारे एरिया में तो कोई समस्या है नहीं, हमारे अशोक मोहल्ले में तो कोई समस्या है नहीं, बाकी एरिया का हमें इतना मालूम नहीं। भी प्रॉब्लम है थोड़ी सी, टूटी हुई सड़कें बस, और कुछ सड़कें टूटी हुई थोड़ी सी अलग से ना, कार्यक्रम तो सड़क बना देते हो तो कार्यक्रम तो सभी का है मिलजुल करके, लेकिन सही सी बात तो ये है कि आते ही नहीं यहाँ पर वार्ड में, दिक्कतें हैं, यानी हम दिक्कतें हैं। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे, कैसी व्यवस्थाएं देखते हैं यहाँ पर, नगर निगम कैसा कार्य कर रहा है? नगर निगम तो ठीक काम कर रहा है, लेकिन जो है ना थोड़ी सड़कें टूटी हैं, पानी आनी भर जाता है कभी बरसात में, बरसात जब होती है, बाकी तो नॉर्मल है, आते हैं देखने भी आते हैं लोग, बाग कभी कभी आते हैं देखने के लिए, चल रही है समस्या थोड़ी बहुत, तो हर जगह बनी रहती है, शिकायत भी करते हैं, होती है सुनवाई, कभी नहीं होती है सुनवाई, बस ऐसे ही चलता रहता है थोड़ा थोड़ा, और क्या है, बाकी ठीक है, अशोक मोहल्ला ठीक है हमारा। कुछ और भी लोगों से बात करते हैं, कैसी व्यवस्थाएँ देखते हैं सर इलाके में? इलाके में व्यवस्थाएं तो ठीक हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे जो पहले काउंसलर थे उसने काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है, और आने वाले टाइम पर भी अभी जो भी आएंगे वो भी काम तो करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल लोगों के लिए दिक्कतें तमाम हैं, और लोगों ने खुद अपनी जुबानी बताया है कि आखिरकार कैसी स्थिति इस वार्ड में बनी हुई है। इसके साथ ही हमने तमाम नागलोई जाट के चारों वार्डों का हाल दिखाया कि आखिरकार लोगों ने अपनी जुबानी बताया कि कैसी स्थिति चारों वार्डों में बनी हुई है आखिरकार, लेकिन जनता ही तय करेगी 4 दिसंबर के दिन मतदान किसको करेगी, जिसके बाद फैसला हो पाएगा कि आखिरकार इन वार्डों में पार्षद जनता किसको चुनती है।
कैमरा अतुल के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।